अगर हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा चटपटा खाना है और बिना मेहनत में और बहुत ही कम समय में कुछ खाने का मन करता है तो सैंडविच का नाम सबसे ऊपर आता है। ये बच्चों से लेकर बड़े हर कोई इसका दीवाना होता है, सबका फेवरेट होता है और ये जितना ज़्यादा टेस्टी होता है उतना ही आसान होता है इसको बनाना। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलू सैंडविच की सबसे आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। गारंटी है आप इसे जब एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए अपनी ये टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 से 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हीट हो जाए तो उसमें हम तड़का लगाएंगे ज़ीरा का। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, उसको ऐड कर देंगे। उसको ऐड कर देने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ और 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 20 से 25 सेकेंड में हमारी लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से जब भुन जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप्ड हुई प्याज। याद रखें हम अपने प्याज को बारीक ही चॉप्ड करेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम 1 से 2 मिनट तक इसे सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है अपनी प्याज को। और ये देखिए हमारी प्याज ऐसे सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड करें। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी प्याज में और हम अपनी गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। जब हम मसाले ऐड करें तो हम अपनी गैस की फ्लेम लो ही रखें। 1 से 1.5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने यहाँ इसे डाल दिया है। और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारी शिमला मिर्च भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1 से 1.5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 उबले हुए आलू लिए हैं जिसको मैंने अपने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। इसको हम ऐड कर देंगे अपने मसालों में और अच्छे से मिला लेंगे। और ऐड करेंगे हम ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और एक मैशर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मैश करेंगे अपने आलू को ताकि जितने भी मसाले हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे हमारे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हमारा टेस्टी सा मसाला बनके तैयार है। इसे हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब हम आलू ऐड करेंगे तो हम अपनी गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ऐसे मैश करेंगे। और ये देखें हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, सारे मसाले भी काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारे आलुओं में। हमारा आलू मसाला बनके तैयार है। तो बस इस स्टेज पे हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे 2 से 3 मिनट भून जाने के बाद। हमारा टेस्टी सा आलू सा का मसाला बनके तो तैयार है। तो चलिए बनाते हैं हम अपनी सैंडविच को। तो सैंडविच बनाने के लिए हम लेंगे ब्रेड और मैंने यहाँ पे लिए हरी चटनी और टोमेटो केचप। हरी चटनी सिर्फ लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिया, नमक ऐड करके मैंने ये हरी चटनी बनाई है। तो यहाँ पर हम 2 ब्रेड लेंगे। 1 ब्रेड पर हम लगाएंगे हरी चटनी और 1 स्पून की हेल्प से हम अपनी पूरी हरी चटनी अपने ब्रेड पर अच्छे से फैलाएंगे और दूसरे ब्रेड पर हम अपने टोमेटो केचप को स्प्रेड करेंगे। और ये देखिए हमारा टोमेटो केचप भी अच्छे से लग गया है और हरी चटनी भी काफ़ी अच्छे से हमारे ब्रेड पर स्प्रेड हो चुकी हैं। तो बस अब हम अपने आलू मसाले को लेंगे और 1 ब्रेड पर हम अपने आलू मसाले को 1 स्पून की हेल्प से फैलाएंगे। आप कम ज़्यादा जैसे चाहे ऐड कर सकते हैं। और अपने स्पून की हेल्प से हम अपने आलूओं को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे अपने ब्रेड पर और दूसरे ब्रेड को यानी केचप वाले ब्रेड को हम ऐसे ऊपर रख देंगे और बस इसे हम 1 प्लेट में रख देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम अपनी बाकी सैंडविच को भी तैयार कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी नई नई वीडियोस रेसिपीज लेकर आया करूं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमने अपने बाकी सैंडविच को भी बना के तैयार कर लिया। हम
हमारी सैंडविच बनके तो तैयार है, तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। आप एक बार जब अपने आलू मसालों को ऐसे बनाएंगे तो गारंटी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पैन, उस पर हम ऐड करेंगे घी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम अपने पैन पर अच्छी तरह से पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, और जब हमारी घी गर्म हो जाए तो हम अपनी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उस पर हम अपने सैंडविच को रखेंगे घी पर। मैं यहाँ पे एक साथ दो सैंडविच बना रही हूँ। ऊपर से हम अपने दोनों सैंडविच के ऊपर भी घी लगा देंगे। ताकि जब हम इसे पलटे तो ये दूसरे तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। और एक से डेढ़ मिनट बाद हम इसे पलटेंगे, जब नीचे से काफ़ी अच्छे से सिक जाए तब। और अभी से हम एक से डेढ़ मिनट बाद पलट देते हैं, और ये देखें एक साइड से हमारे जो सैंडविच है वो काफ़ी अच्छे से सिक चुका है। तो दूसरे ब्रेड को भी हम पलट देते हैं, और ये देखें हमारी सैंडविच कितने अच्छे से सेक चुकी है। तो ऐसे ही हम दोनों साइड से अपनी सैंडविच को अच्छे से सेक लेंगे और उसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से सिक जाए तब हमारी ये सैंडविच बनके तैयार है। और ये देखिए दोनों साइड से हमारी सैंडविच सिक चुकी है, तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी बाकी सैंडविच को भी सेक लेंगे। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म हमारी आलू की सैंडविच। देखने में ही लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो बस इसे हम बीच से कट कर लेते हैं। आप इसे चाकू की हेल्प से करें या फिर किसी भी स्पून की हेल्प से। और ये देखिए, और लीजिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी सी सैंडविच। आप इसे बच्चों को दे, बच्चों की टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ऐसे भी जब कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप फटाफट इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं, या फिर बिना चटनी और हरे टोमेटो केचप के खाएं, उतनी ही ज़्यादा चटपटी लगती है। तो देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, और सच में बहुत ही ज़्यादा कम समय में बनने वाली रेसिपी है और उतनी ही ज़्यादा चटपटी होती है। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। खाए खिलाए इंजॉय करें।